हे फ्रेंड्स, जैसे जैसे एशियन जायंट चाइना विकास और तरक्की की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, उतनी ही तेजी से चाइना टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी आगे बढ़ता जा रहा है। नाउ चाइना जल्द ही साल 2022 के अंत तक अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन सेटअप कर देगा और इसे जल्द से जल्द वह ऑपरेशनल कर देगा। जहां एक तरफ इसरो ने अभी सिर्फ एक प्रपोजल दिया है कि साल 2030 तक हम भारत का खुद का स्पेस स्टेशन सेटअप करने का लक्ष्य रखते हैं, पर दूसरी ओर चाइना इस सेक्टर में भी हमसे 10 से 15 साल आगे निकल गया है। इवन चाइना ने स्पेस में यूएसए की हेजमनी को भी चुनौती दे दी है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अलावा यह सिर्फ एक दूसरा वर्किंग स्पेस स्टेशन होगा, वहीं पर जहां आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पूरे यूरोपियन देशों ने, जापान ने, कनाडा ने, यूएसए और रशिया ने मिलकर फंड किया एवं डेवलप किया था, वहीं पर चाइना ने यह काम अकेले अपने दम पर कर दिखाया है। क्योंकि अभी 29 अप्रैल को चाइना ने सबसे पावरफुल रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B के द्वारा वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से अपने स्पेस स्टेशन का एक मॉड्यूल लॉन्च किया। नाउ आने वाले समय में चाइना ऐसे ही दो और स्पेस मॉड्यूल्स अपने स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च करेगा। ये तीनों स्पेस मॉड्यूल्स चाइनीज स्पेस स्टेशन की बैकबोन होंगे। चाइनीज स्पेस स्टेशन एक ऐसा हैवी सैटेलाइट होगा जो कि लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि 340 से 450 किलोमीटर की हाइट पर सिचुएटेड होगा। चाइना ने अपने स्पेस स्टेशन का नाम दिया है तियोंगगोंग स्पेस स्टेशन, जहां पर तियोंगगोंग का मतलब है हेवनली पैलेस यानी कि स्वर्ग का महल। यह लगभग 80 से 100 टन भार का होगा और इसकी साइज रशिया के रिटायर्ड स्पेस स्टेशन मीर के लगभग बराबर ही होगी। चाइना के स्पेस स्टेशन प्रोग्राम की अनाउंसमेंट साल 2013 में हुई थी तथा इसे कुल 3 फेज में कंप्लीट किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। चाइनीज स्पेस स्टेशन के दो फेजेस तियोंगगोंग 1 व तियोंगगोंग 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें चाइना ने एक प्रोटोटाइप जो कि चाइनीज स्पेस स्टेशन का इनिशियल टेस्टिंग मॉडल था उसे लॉन्च किया था। हालांकि चाइना के स्पेस स्टेशन के फेज 3 की लास्ट 11 लॉन्चिंग अभी बची हैं, जो कि साल 2022 के अंत तक कंप्लीट हो जाएंगी। अगर बात करें टेक्नोलॉजी की तो चाइना को मोस्ट ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजीज चाइना व रशिया के म्यूचुअल टेक्नोलॉजी एक्सचेंज से प्राप्त हुई हैं। चाइनीज स्पेस स्टेशन में पावर व इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्पेस स्टेशन में लगे सोलर पैनल्स का यूज किया जाएगा। इसके साथ चाइनीज स्पेस स्टेशन में एक साथ 5 मिशंस के डॉकिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी। इसके साथ चाइना के स्पेस स्टेशन में 2 रोबोटिक आर्म्स भी लगी हैं, जो कि स्पेस स्टेशन के रखरखाव व मरम्मत में यूज किए जाएंगे। दोनों रोबोटिक आर्म्स को काम पड़ने पर एक साथ कंबाइन किया जा सकता है, जिससे कि यह 30 मीटर की रेडियस तक वर्क कर सकती हैं। इसके साथ चाइना ने अपने स्पेस स्टेशन को हाईटेक टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी डिजाइन किया है, क्योंकि इसमें बने लैब्स में इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फ्लूइड फिजिक्स, कंबस्शन, माइक्रोग्रेविटी तथा हाई प्रिसीजन टाइम फ्रिक्वेंसी जैसे विषयों पर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए चाइना के स्पेस स्टेशन में 14 फ्रिज की साइज के लैब्स होंगे। चाइना का यह स्पेस स्टेशन 10 से 15 साल तक की अवधि के लिए अपने ऑर्बिट में वर्क करेगा। इसके साथ एक बार जब चाइना अपना यह स्पेस स्टेशन कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद यह इसमें एडवांस फीचर्स को भी ऐड करेगा। सो कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगले वीडियो तक जय हिंद।